हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान खुजली की समस्या होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, एंड इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपके दोनों शिशु के अच्छे विकास के लिए यूट्रस के साइज का बढ़ना, जिस वजह से आपके पेट का भी काफी ज्यादा साइज बढ़ने लगता है और जिस वजह से आपके पेट पे बहुत ज्यादा खिंचाव आना स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादा खिंचाव आने की वजह से जो आपके पेट के अंदर प्राकृतिक मॉइस्चराइजर होता है वो भी कम होने लगता है, जिस वजह से आपके पेट पर बहुत ज्यादा खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। और पेट पर खिंचाव आने की वजह से आपके पूरी बॉडी पर भी खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से आपको खुजली होने लगती है। और इसके अलावा आपके शरीर में ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स भी बदलने लगते हैं, जिनमें स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से भी आपको खुजली होती है। और ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में नॉर्मल की अपेक्षा जो ब्लड का फ्लो होता है वो पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिस वजह से भी आपको पैरों में, हाथों में एंड आपके ब्रेस्ट में, तलवों में और आपके हथेली पर भी खुजली आपको हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत टाइट कपड़े पहनती हैं या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर आप बहुत ज्यादा गर्मी में रहती हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा एसी के सामने रहती हैं और आप धूप में निकलती हैं और आप पानी बहुत कम मात्रा में पीती हैं, तो इस वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है। और ट्वींस प्रेगनेंसी में जो खुजली की समस्या होती है वो ज्यादातर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से या फिर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में रहना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान मामूली या फिर हल्की खुजली होती है जिसको आप बर्दाश्त कर लेती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ट्वींस प्रेगनेंसी में स्पेशली ये खुजली कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, बस आपका यही मन करता है कि दिन रात खुजलाते रहें, बहुत ही ज्यादा पूरे शरीर में खुजली बढ़ती ही जाती है, एंड इसके साथ ही अगर आपकी पूरी बॉडी में या फिर पेट पर लाल चिकत्ते, रैशेस या फिर दाने या फिर फुंसी टाइप में या फिर फफोले जैसे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये खुजली आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही आपके बच्चे के लिए। तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर खुजली ड्राइनेस की वजह से नहीं है, और अगर आपके पोटी का भी रंग चेंज होने लगे एंड इसके अलावा आपकी यूरिन का भी कलर चेंज हो जाए, और साथ ही आपको उल्टी और थकान, और इसके अलावा आपको भूख लगना भी बंद हो जाए, तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिनको आप घर पर बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार जरूर नहाएं, और आप धूप से बिल्कुल बच के रहें, और आप एसी में भी कम से कम ही बैठें, और आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको साफ सुथरे और कॉटन के कपड़े ही पहने। इसके अलावा आप अपने पेट पर और पूरी बॉडी पर अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर कोई लोशन या फिर नारियल तेल जरूर लगाएं, और आप नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर एलोवेरा जेल लगाने के बाद में 10-15 मिनट तक उसको छोड़ दें, उसके बाद में आप नहाने जाएं, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और आप पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास जरूर पिए, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और आप बर्फ के पानी से सिकाई भी कर सकती हैं जिस जगह पर भी आपको खुजली हो रही हो, एंड इसके अलावा आप किसी टॉवल या फिर किसी कॉटन के कपड़े को ले करके बर्फ के पानी में भिगो करके आपको अपने उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है या फिर जलन ऐसी लगती है, इससे आपको काफी रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध बिल्कुल पी सकती हैं, और आप नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे नहा सकती हैं, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों में है तो आपको गर्म पानी से नहाने के बजाय गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से आपकी बॉडी और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको बहुत ज्यादा महक वाले साबुन या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है, इससे भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है। आपको ऐसे जेल और साबुन ही लेना है जिसमें केमिकल कम हो, और आपको बहुत ज्यादा गर्म जगह या फिर धूप में नहीं रहना है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपने पेट पर खुजली नाखूनों से और बहुत तेज नहीं करनी है, इससे आपके पेट पर बहुत ज्यादा गंदे दाग पड़ जाएंगे, एंड इसके अलावा आपके पैरों और हाथों पर भी बहुत तेज नाखूनों से खुजली ना करें,
क्योंकि ज्यादा खुजली करने से आपकी स्किन में ब्लड आने लगता है, जिससे भी बहुत ज्यादा गंदे दाग पड़ जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रेगनेंसी सर्दियों में है तो आपको कोशिश करनी है आप अपने पेट को और अपनी पूरी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज करके ही रखें। कम से कम दिन में 5 से 6 बार कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर लोशन या फिर नारियल का तेल जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपनी स्किन को ड्राई रखेंगी उतनी ही ज्यादा खुजली होगी, और आप जितना ज्यादा खुजलाएंगी उतनी ही ज्यादा खुजली बढ़ेगी। तो आप कोशिश करें कम से कम खुजलाने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।